हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बीएड को लेकर, फार्मेसी को लेकर, डीएड को लेकर सारे स्टूडेंट, यहाँ तक दोस्तों मैं खुद परेशान हूँ यार, क्योंकि बीएड मैं भी करना चाहता हूँ इस साल। मेरा भी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन यार अभी तक कोई मामला आ ही नहीं रहा, आरक्षण का मामला। मतलब बहुत टेंशन में यार। एक बार न्यूज़पेपर में छपा था, उसके अनुसार मैं आपको जानकारी बता दिया था कि बीएड और जो हमारा फार्मेसी है इसका काउंसलिंग जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक खत्म हो जाएगा, मैं खुद बोला था। और पेपर भी ऐसी छपा था यार, पेपर में ये छपा था कि दिसंबर से बीएड और फार्मेसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी के पहले और दूसरे सप्ताह तक पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन आज देखने को मिल रहा है न्यूज़पेपर में, फिर आज छपा है कि दिसंबर से एडमिशन कराने का, काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया जाएगा, ऐसा लिखा है। और साथ ही साथ ये लिखा है कि दिसंबर का पूरा महीना ऐसे ही बीत गया और अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, ना बीएड वालों का डिसाइड हुआ है, ना फार्मेसी वालों का डिसाइड हुआ है कि काउंसलिंग कब होगा, एडमिशन कब होगा। मतलब यार ये ना हमारा पूरा साल बर्बाद कर दिए, मैं साफ बता रहा हूँ। मैं भी बीएड करने वाला था, पूरा साल बर्बाद हो गया भाई। अब एडमिशन का तो पूरा दिसंबर गया, दिसंबर में आएगा बोला था। फार्मेसी वालों का भी साल लगभग बर्बाद हो ही गया मान के चलो, अब क्या सीखेंगे इंसान और क्या पढ़ेगा। चलो अगर जनवरी में अगर काउंसलिंग स्टार्ट भी करेगा तो सोचो जनवरी भर पूरा काउंसलिंग में बीत जाएगा, कितना फास्ट करेगा, एक ही दिन में तो धड़ाधड़ नहीं कर लेगा पूरा। जनवरी तो पूरा बर्बाद। अब फरवरी या मार्च अप्रैल में तो पेपर आ जाता है, अब स्टूडेंट पढ़ेगा कब? क्योंकि स्टूडेंट ना जब तक एडमिशन नहीं होता तो कोई स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है, मैं खुद नहीं पढ़ूंगा भाई। जब एडमिशन हुआ नहीं रहेगा तो कौन पढ़ेगा यार। एडमिशन होता है थोड़ा सुकून मिलता है, तसल्ली मिलता है कि हमारा एडमिशन हो गया है, अब हमें पढ़ना चाहिए। और एडमिशन नहीं हुआ है तो हम तो यही टेंशन में है ना, एडमिशन कब होगा। मतलब पूरा छत्तीस, मतलब पूरा यार क्या राजनीति चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। अचानक से यार हमारा पूरा प्रोसेस, यहाँ तो बीएड में तो चलो दो तीन का एक दो काउंसलिंग जो भी हुआ था, इन पीपीटी पीपीएचटी फार्मेसी वाला का तो इतना टेंशन है। फार्मेसी वाले स्टूडेंट, मैं मानता हूँ आप लोग बहुत टेंशन में है, क्योंकि आप लोग तो काउंसलिंग तक नहीं हुआ है, एक भी काउंसलिंग का चरण ही स्टार्ट नहीं हुआ है। पॉलिटेक्निक वाले उन लोगों का तो काउंसलिंग स्टार्ट हो भी गया था। अरे यार बहुत टेंशन में यार, क्या हो रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मतलब बहुत टेंशन में बीएड का यार, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर बर्बाद हो जाएगा, पूरा फर्स्ट साल वेस्ट हो गया। अब एग्जाम भी आने वाला है, प्राइवेट वाले लोग का अच्छा है, वो लोग तो पूरा फॉर्म वॉर्म सब फिलअप कर लिए, बीए बीकॉम बीएससी। हम ही लोग में पूरा आरक्षण के मामले को लेकर पूरा धांधली चल रही है, क्या चल रहा है यार पूरा। कम से कम यार गवर्नमेंट को हमारा स्टूडेंट, हम जैसे स्टूडेंट का तो भविष्य खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि तो पूरा हमारा जो शिक्षा से यार देश आगे बढ़ता है, और पूरा इसी को पूरा नुकसान कर दिए लोग, साल भर बर्बाद कर दिए। कई लोग सारे के सारे स्टूडेंट बहुत परेशान है, सारे के सारे स्टूडेंट लगभग विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, सारे के सारे स्टूडेंट में बहुत बौखलाए हुए हैं, विरोध कर देंगे लोग। ये लोग समझते क्या है यार गवर्नमेंट अपने आप को, बच्चों का जिंदगी खराब हो रहा है यहाँ पे, समझ नहीं रहे। और भूपेश बघेल बोल रही नौकरियां दे रहा, नौकरी घंटा नौकरी कुछ नहीं, नौकरी दे रहा भूपेश बघेल है, नौकरी का भर्ती निकालेगा 10 साल 5 साल 4 साल 3 साल बाद प्रवेश पत्र जारी करेगा। अभी वन विभाग का प्रवेश पत्र अभी तक आया नहीं है, बेचारे लोग का क्या होगा, कब से फॉर्म भरा, साल बीत गया लेकिन वन विभाग फॉरेस्ट गार्ड कुछ जारी ही नहीं कर रहा है, बेचारे लोग ऐसे परेशान है। कई लोग का एज निकल गया, बेचारे लोग तैयारी कर ही नहीं पा रहे, मतलब पूरा धांधली चल रहा भाई छत्तीसगढ़ में पूरा, क्या बोले यार। अब देखते हैं यार क्या होगा आगे। चैनल पर आप बने रहिए, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि यार देखो मैं तो आपको बताऊंगा तो पेपर जो पढ़ता हूँ उसी के अनुसार बताता हूँ, लेकिन न्यूज़ वाले भी पूरा भकलोल है, वो लोग भी गलत गलत लिख डालते हैं। न्यूज़ में लिखते हैं कि दिसंबर में स्टार्ट होगा और जनवरी के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा काउंसलिंग एडमिशन सब। फिर आज न्यूज़पेपर में छपा है कि दिसंबर से योजना था लेकिन कुछ योजना तैयार नहीं हुआ है, अब जनवरी में योजना, अब जनवरी में काउंसलिंग का डेट आएगा, एडमिशन होगा, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया है। मतलब आप खुद पढ़ के देख लेना भाई आज का दैनिक भास्कर, तो ऐसे ऐसे यार लोग खुद न्यूज़पेपर में गलत न्यूज़ छापते हैं, फिर बोलते हैं तैयारी नहीं होता। हम लोग क्या करें भाई, हमारा तो पूरा वेस्ट कर दिया आप लोग। मतलब यार फार्मेसी वाले भी परेशान, डीएड वाले भी परेशान, बीएड वाले भी परेशान, इंजीनियरिंग वाले परेशान, या तो नौकरी का जो फॉर्म भरते हैं वो लोग भी परेशान, फॉरेस्ट गार्ड के तो सबसे ज्यादा परेशान फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं। लगभग एक साल हो गया भाई, ना फिजिकल का डेट आ रहा है, ना रिटर्न का डेट आ रहा है, कुछ भी यार। मतलब कई बच्चे इतना यार क्या बोले, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना है यार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।